फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है। हेलो फ्रेंड्स, स्वरा स्वीट डिलाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये जो रेसिपी है वो है बेकरी स्टाइल चॉकलेट पेस्ट्री। और फ्रेंड्स, बहुत सिंपल रेसिपी है और हमने व्हिपिंग क्रीम का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है। बिना व्हिपिंग क्रीम के ही हमने इसका आइसिंग किया। फ्रेंड्स, हमने ये केक एगलेस बनाया है और बिना ओवन के हमने बनाया है, और बहुत सिंपल है फ्रेंड्स इसकी रेसिपी। तो चलो शुरू करें आज बेकरी स्टाइल चॉकलेट पेस्ट्री यहाँ पे बनाना। मैंने एक बड़ा सा भगोना ले लिया है, आप कढ़ाई या कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हो बेकिंग के लिए। अंदर एक मैंने रिंग रखी है और इस पे अब हम हमारा बेकिंग ट्रे रखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इसे प्री हीट करना है। तो 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे हम इसे प्री हीट होने देंगे। अगर आप ओवन या माइक्रोवेव में कर रहे हो तो आप ओवन या माइक्रोवेव को आप प्री हीट कर लीजिए 10 मिनट के लिए 180 डिग्री। यहाँ पे मैंने 6 इंच का स्क्वायर केक टिन ले लिया है, आप चाहो तो राउंड में भी आप इस केक को बना सकते हो। और इसे मैंने थोड़े से ऑयल से ग्रीस कर लिया था और उस पर मैंने मैदा छिड़क के अच्छे से डस्ट किया है, आप देख सकते हो। अगर आपके पास बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर नहीं है, आप इस टेक्निक से भी कर सकते हो, जिससे जो केक है हमारा बहुत आसानी से अनमोल्ड हो जाता है। इसे अब हम साइड। फ्रेंड्स, ये चॉकलेट केक बनाने का सबसे आसान तरीका है। तो एक बोल ले लिया है, उस पर मैंने एक छन्नी रख ली है और यहाँ पे अब मैंने 3/4 कप मैदा ले लिया है। उस मैदे को हम इसमें डालेंगे। मैदे के बाद इसमें हम डालेंगे पिसी हुई चीनी, ये हमने ली है 1/2 कप। बिल्कुल एक चुटकी हम नमक इसमें डालेंगे स्वाद के लिए। इसमें हम डालेंगे 3/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। हमारा मिश्रण छान के तैयार है। एक बार हम इसे ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम बाकी की सामग्री डालेंगे। इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस। तो यहाँ पे करीबन 1/2 टीस्पून हम वेनिला एसेंस डालेंगे। वेनिला एसेंस के बाद उसमें हम डालेंगे ऑयल या तेल, ये 1/4 कप तेल हमने लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी, पानी हमने लिया है 1/2 कप। पानी के बदले आप दूध का भी। इस केक टिन में हम इस बैटर को डाल देंगे, इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो हमारा बैटर है वो केक का पूरी तरह से तैयार है। फ्रेंड, बैटर हमने केक टिन में डाला है, हल्के से हम एक दो बार इसे टैप कर लेंगे और इसे अब हम बेकिंग के लिए रख देंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं और ये जो हमारा भगोना है अच्छे से प्री हीट हो गया है। तो अब हम इस केक टिन को अंदर डालेंगे और तुरंत हम इसे बंद कर देंगे और इसे हम धीमी से मीडियम आंच पे हम इसे बेक कर लेंगे करीबन 30 मिनट के लिए। गैस की आंच हमें धीमी रखनी है और अगर आप ओवन में इसे बेक कर रहे हो तो आपको 180 डिग्री पे 30 मिनट के लिए इसे बेक करना है। आधा घंटा हो गया है, अब हम इसे एक बार खोल के चेक कर लेंगे और आप देख सकते हो केक तो फूल गया है। एक बार हम टूथपिक से भी चेक करेंगे, बिल्कुल बीचों बीच हम डाल के इसे चेक करेंगे। टूथपिक हमारी पूरी तरह से क्लीन आई है, हमेशा सेंटर में हम डाल के चेक करेंगे। तो गैस को हम बंद कर देंगे और इस केक को पूरी तरह से हम ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ एक बोल में हम लेंगे बटर, और आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड किसी भी बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। 1/2 कप हमने लिया है, यहाँ पे मैं अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप ग्राम्स में इसे नापोगे तो ये होगा 100 ग्राम्स, और कप में अगर नापोगे तो ये 1/2 कप है। फ्रेंड्स, इसे हमें बीट करना है और एक बात का ध्यान रखना है, आपको बटर जो है रूम टेम्परेचर वाला लेना है, सॉफ्ट बटर होना चाहिए। आप देख सकते हो बिल्कुल भी ये स्टिफ नहीं होना चाहिए, वरना ये अच्छे से बीट नहीं होगा। तो इसे अब हम अच्छे से फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, 7 से 8 मिनट के लिए हमने अच्छे से इसे बीट कर लिया है, विस्क किया है और इसका कलर भी आप देख सकते हो थोड़ा लाइट हो गया है। अब इसमें हमें पिसी हुई चीनी डालनी है। तो यहाँ पे हमने 1/2 कप बटर लिया था, तो हमें उसके 5 गुना चीनी को लेना है। तो यहाँ पे मैंने 2.5 कप मैंने पिसी हुई चीनी ले ली है। आप पिसी हुई चीनी या आइसिंग शुगर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी
पिसी हुई चीनी डालेंगे। सारी चीनी एक साथ हमें नहीं डालनी है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसे विस्क कर लेंगे। थोड़ी हम और डालेंगे ऐसे कर करके, जब तक पूरी चीनी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक हम थोड़ी थोड़ी चीनी डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीनी हमने डाली है और इसका जो टेक्सचर है वो भी आप देख सकते हो काफ़ी ड्राई है। और क्योंकि फ्रेंड्स हम चॉकलेट बटर क्रीम बना रहे हैं तो इसमें चॉकलेट डालना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम कोको पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करीबन मैंने 3 टेबलस्पून कोको पाउडर ले ली है, ये अनस्वीटन कोको पाउडर है, मीठी नहीं है ये, तो इसे हम इसमें डालेंगे और दोबारा से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। इसमें फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा वैनिला एसेंस डालेंगे, 1/4 चम्मच के करीब हमने इसमें वैनिला एसेंस डाला है। अब इस क्रीम को, बटर क्रीम को स्मूथ बनाने के लिए इसमें हमें दूध का इस्तेमाल करना है, पर दूध हमें एक साथ नहीं डालना है, हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून दूध डाल रही हूँ। अब हम दोबारा से हमारा ये जो विस्क है वो चलाएँगे। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी ये थोड़ा थिक है, तो इसमें हमें थोड़ा और दूध डालना पड़ेगा, तो और 1 टेबलस्पून हम इसमें दूध डालेंगे और दोबारा से हम इसे बीट करेंगे। फ्रेंड्स और 1 टेबलस्पून दूध मैं इसमें डालूंगी, थोड़ा मुझे स्टिफ लग रहा है हल्का सा। फ्रेंड्स हमारी ये चॉकलेट बटर क्रीम तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको बता देती हूँ, आप देख सकते हो। आप चाहो तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हो और फिर आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप तुरंत इसे यूज़ नहीं करने वाले हो तो आप इसे फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो, और जब आपको यूज़ करना है 1 आधे घंटे पहले आप इसे रूम टेम्परेचर पे निकाल के रखिए। फ्रेंड्स हम इस केक को अनमोल्ड कर लेंगे, आप देख सकते हो कितना अच्छा स्पॉन्ज बना है। फ्रेंड्स अब इस केक के हम 2 पार्ट करेंगे, 2 से 3 पार्ट करेंगे हम। आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा ये केक बना है और इसके भी हम और 2 पार्ट करेंगे, मतलब हमें टोटल 3 लेयर्स मिल जाएंगे। फ्रेंड्स जब भी आप केक स्लाइस करते हो तो एजेस को आप पहले ही मार्किंग कर दीजिए, जिससे आपको कट करने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमने जो क्रीम रेडी की है बटर क्रीम वो हम लेंगे और थोड़ी सी बटर क्रीम हम केक बोर्ड पर लगाएंगे और थोड़ी सी हम टर्न टेबल पर लगाएंगे ताकि ये जो हमारा बोर्ड है वो हिलेगा नहीं, फिट हो जाएगा इस पर। अब हम 1 लेयर लेंगे, 1 स्लाइस लेंगे और इस पर अब हम बटर क्रीम लगाना चालू करेंगे। फ्रेंड्स आज हम बेकरी स्टाइल जो है बटर क्रीम वाला केक बना रहे हैं, तो वो केक जो रहता है वो थोड़ा ड्राई होता है, मॉइस्ट होता है पर थोड़ा ड्राई होता है, उसमें शुगर सिरप नहीं होता बिल्कुल भी, तो इसे हम वेट नहीं करेंगे, हम इस पे डायरेक्ट बटर क्रीम अप्लाई करना चालू करेंगे। फ्रेंड्स हम बटर क्रीम अप्लाई करना चालू करेंगे। एक बार हम स्पैटुला से प्लेन कर देंगे इसे। फ्रेंड्स इस पे हम दूसरी लेयर रखेंगे। और दूसरी लेयर को भी इसी तरह से हम क्रीम लगाएंगे। फ्रेंड्स आप चाहो तो डायरेक्ट स्पैटुला से क्रीम लेके इस तरह से भी आप लगा सकते हो।
आपको जो मेथड इजी होती है आप उस तरह से आप कर सकते हो। और इसे भी हम लेवल कर लेंगे। फ्रेंड्स इसे फिनिशिंग हम बाद में देंगे, ये जो साइड्स है उन्हें भी हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स हमने इसे प्लेन कर लिया है पर अभी भी ये पूरी तरह से फिनिश नहीं है, तो मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तो अभी हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे ये सेट हो जाएगा। फ्रेंड्स फ्रिज में रखने के बाद आप देख सकते हो केक जो है हमारा सेट हो गया है। अब हम ये स्पैटुला लेंगे और इसे हम गर्म पानी में डाल देंगे और गर्म पानी में डाल के हम कुछ इस तरह से इसे प्लेन करेंगे जिससे हमें थोड़ा प्लेन टेक्सचर मिल जाएगा। फ्रेंड्स हम केक के साइड्स को भी उसी तरह से प्लेन कर लेंगे। फ्रेंड्स इस तरह से जो कोम्स आती है वो हमें इस्तेमाल करनी है। आप चाहो तो इसे प्लेन भी रख सकते हो, तो इस कोम से हम साइड से ऐसे डिज़ाइन बना लेंगे। फ्रेंड्स साइड से हमने कोम को अच्छे से कर लिया है। फ्रेंड्स ऊपर भी हम कोम से थोड़ी ऐसी डिज़ाइन बना लेंगे कुछ इस तरह से, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो अच्छे से हमने इस पर डिज़ाइन भी कर ली है। दोबारा से मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से सेट हो गया है और हमने इसे फ्रिज से निकाला है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि आज हम पेस्ट्री बना रहे हैं, तो इसे हम पेस्ट्री की साइज़ में कट करेंगे। मैंने सेरेटेड नाइफ ले लिया है, आप नाइफ से नॉर्मल नाइफ से भी इसे कट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ऐसे सेंटर से इसे कट करेंगे। और फिर फ्रेंड्स यहाँ से भी हम सेंटर से इसे कट करेंगे। टोटल हम इसके 8 पीस बनाएंगे और दोबारा यहाँ से हम कट कर लेंगे। फ्रेंड्स पेस्ट्री पे हम डेकोरेशन कर लेंगे। और इस तरह से जो ग्लेज चेरीज आती है वो हम लगाएंगे। फ्रेंड्स हमारा ये बेकरी स्टाइल चॉकलेट पेस्ट्री केक तैयार है और बहुत सिंपल है। फ्रेंड्स इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हो और बहुत सिंपल है बनाने के लिए। तो इस रेसिपी को आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको बता देती हूँ इसका टेक्सचर भी। फ्रेंड्स इसका टेक्सचर भी आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल।